अलेक्जेंडर यूरेविच पिचुस्किन उर्फ द चेसबोर्ड किलर एक प्रोलिफिक रूसी सीरियल किलर है जिसने 48 लोगों की हत्या की थी। उसका लक्ष्य कम से कम 64 लोगों को मारना था, उतने ही जितने चेसबोर्ड में खांचे होते, ताकि वह अपने आदर्श आंड्रे चिकितेलो के आगे निकल सके। अलेक्जेंडर का जन्म 9 अप्रैल 1974 को सोवियत संघ के रूसी हिस्से में हुआ था। वह शुरू से एक मिलनसार बच्चा था, लेकिन यह सब बदल गया जब उसे बचपन में खेल के दौरान सिर पर चोट लगी, जिससे उसके व्यवहार में बदलाव आया। वह चिड़चिड़ा रहने लगा और एग्रेसिव बन गया। इस व्यवहार के कारण उसे अक्सर स्कूल में टीचरों द्वारा डांट पड़ती और साथ ही बच्चे उसका मजाक बनाते। आखिरकार उसकी माँ ने उसे स्कूल से निकालकर एक विशेष आवश्यकता वाले स्कूल में उसका नाम लिखवाने का फैसला किया। हालांकि किशोर अवस्था में पहुँचने पर उसके दादाजी ने उसे स्पेशल स्कूल से निकाल दिया और एक बार फिर एक नॉर्मल स्कूल में भेज दिया। दादा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अलेक्जेंडर को बुद्धिमान मानते और उनको ऐसा लगता था कि एक स्पेशल स्कूल उपलब्धियों को बढ़ावा देने की बजाय विकलांगता पर काबू पाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अलेक्जेंडर अपने दादा के साथ रहने चला गया और वहीं उसके दादा ने उसे शतरंज खेलना भी सिखाया। वह बिट्सा पार्क में अपने से उम्र में बड़े लोगों के खिलाफ खेलने जाता था। उसे इसमें मजा आता था, लेकिन दुर्भाग्य से अलेक्जेंडर को उसकी हम उम्र छात्रों द्वारा उसका मजाक बनाया जाना बंद नहीं। और इससे भी बुरा तो तब हुआ जब उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। तब चीज़ें उसके लिए और भी बदतर हो गई। उसके हिसाब से उसे समझने वाला सिर्फ एक ही इंसान उसके दादा थे। उनके जाने के बाद वो अकेला हो गया। इस घटना ने उसे तबाह कर दिया और इस दर्द को मिटाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया, जिस कारण उसे वोडका की लत लगी। वह अपनी माँ के घर लौट आया और पास ही में एक छात्र के रूप में एक बगल के ही स्कूल में दाखिला ले लिया। इस बीच अलेक्जेंडर ने बिट्सा पार्क में शतरंज खेलना जारी रखा। यहीं पर उसने एक और दुखद शौक विकसित कर लिया, जिसमें वह पार्क में आए छोटे बच्चों को पकड़कर उन्हें धमकाता, डराता और खुद को बच्चों को धमकी देते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता और बाद में उन वीडियो को देख के खुद को ताकतवर महसूस कराना चाहता। उसने अपनी शक्तियों की पुष्टि करने के लिए इन वीडियो को बार बार देखा, लेकिन उसकी जानलेवा इच्छा संतुष्ट नहीं हुई थी। यही वो पल था जहाँ अलेक्जेंडर के सीरियल किलर बनने की कहानी लगभग तय हो गई थी। उसकी मानसिकता साफ थी, उसे लोगों को दर्द देने में मजा आ रहा था और यह चेतावनी थी कि आगे कुछ बड़ा होने वाला, जो कि हुआ भी। 27 जुलाई 1992, 18 वर्षीय अलेक्जेंडर ने अपनी पहली हत्या की। उसने अपने एक दोस्त मिखाई ओरेचुक के साथ लोगों को मारने की योजना बनाई। दोस्त ने सोचा कि वह केवल मजाक कर रहा था। जब दोस्त को पता चला कि अलेक्जेंडर गंभीर हो रहा है, तो उसने स्थिति से पीछे हटने की कोशिश की। गुस्से में अलेक्जेंडर ने अपने ही दोस्त पर हथौड़े से प्रहार किया और उसके शरीर को कुएं में धकेल दिया। ये वही दोस्त था जिसके साथ कुछ घंटों पहले वे दूसरे लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, और जब दोस्त ने हाथ खींच लिया तो वही उसका शिकार बन गया। 3 दिन बाद अलेक्जेंडर से पुलिस ने ओरेचुक की मौत के बारे में पूछताछ की। कुछ सबूत थे जो अलेक्जेंडर की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जांच से कभी कुछ नहीं निकला। अलेक्जेंडर को मारने में मजा भी आया और पुलिस से भी बच गया। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। 17 मई 2001 को अलेक्जेंडर बिस्वा पार्क में था। वहां वो येवगेनी प्रोनिन नाम के एक व्यक्ति के साथ शतरंज खेल रहा था। जब खेल समाप्त हुआ तो उसने प्रोनिन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। प्रोनिन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए मना करता है, जिस पे अलेक्जेंडर उसे बताता है कि आज उसके पालतू जानवर की मौत की सालगिरह है और वह उसकी कब्र पर जाना चाहता है। प्रोनिन उसके बात से कन्विंस हो गया और साथ चलने को तैयार हो गया। फिर वे पार्क की एक सुनसान जगह पर पहुंचे। अलेक्जेंडर ने तब वोडका की एक बोतल अपने बैग से निकाली और प्रोनिन को ऑफर किया, जिसे प्रोनिन ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने अलेक्जेंडर के कुत्ते के कब्र पर उसके नाम का एक टोस्ट किया और वहीं बैठकर सारी बोतल खत्म की। प्रोनिन नशे में था, तभी अचानक अलेक्जेंडर ने प्रोनिन पर अचानक वहीं पड़े किसी भारी चीज से सर पे मारा और उसके शरीर को पास के कुएं में फेंक दिया। ये सब उसने इतनी जल्दी में किया कि प्रोनिन को कुछ समझ ही नहीं आया और उसने अपनी जान गंवा दी बिना किसी प्रयास के। मारिया विरिचेवा उन बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक थी जो अलेक्जेंडर से बच गई। 23 फरवरी 2002 को अलेक्जेंडर ने गर्भवती सेल्स वुमेन को बिट्सा पार्क में किसी तरह बहला फुसला कर उसी कुएं के पास ले गया, जहां उसने अधिकांश पीड़ितों को फेंका था, और फिर उसने प्रेग्नेंट सेल्स वुमेन को कुएं में धकेल दिया। लेकिन किस्मत से मारिया सीधा नीचे गिरने के बजाय किसी चीज़ का सहारा लेके लटक गई। जब अलेक्जेंडर ने देखा कि वो नहीं गिरी, तो उसने उसे बालों से पकड़ लिया और गिराने से पहले उसके सिर को कंक्रीट की दीवार में बार बार मारा।
और जब उसे लगा कि वो मर गई और वो कुएं में नीचे गिर गई तो वो वहाँ से चला गया यह मानकर कि वो मर चुकी है। लेकिन जाखो राखे साइयाँ मार सके ना, सौभाग्य से वह बच गई और बिना गर्भपात के कुएं से बाहर निकलने में सफल हुई। विरिचेवा ने पुलिस को अपराध की सूचना दी, लेकिन चूंकि वह एक अवैध अप्रवासी थी इसलिए उसे अपना दावा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अलेक्जेंडर ने उसे मारने का प्रयास किया। एक अन्य जीवित व्यक्ति मिखाई लोवोव था, जो एक किशोर स्केटर था। 10 मार्च 2002 को सिगरेट और वोडका के वादे के साथ बित्सा पार्क में अलेक्जेंडर द्वारा नेतृत्व किए जाने के बाद उन्हें सिर पर मारा गया था और कुएं में नीचे धकेल दिया गया था। यह सोचकर कि लड़का मर गया है, अलेक्जेंडर वहां से चला गया। सौभाग्य से लोबोव की जैकेट कुएं के अंदर के धातु के एक टुकड़े में फंस गई, जिससे वह बर्फीले पानी में गिरने से बच गया। वह बाहर निकलने में सक्षम था। 15 नवंबर 2003 को एक पड़ोसी पोली कार्कोव को बिट्सा पार्क में पीने के लिए आमंत्रित किया गया। अलेक्जेंडर ने उसे कुएं में फेंकने से पहले 3 बार हथौड़े से पीटा। फिर से वह यह मानते हुए चला गया कि उसका शिकार मर चुका है। पोली कार्कोव सफलतापूर्वक बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें सिर में चोट लगी थी, जिस कारण उन्हें हमले के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। पुलिस ने हत्याओं को और गंभीरता से लेना तब शुरू किया जब निकोलाई जखरचेको नाम का एक पूर्व पुलिसकर्मी की मौत हो गई। 16 नवंबर 2005 को उसकी हत्या कर दी गई। उसके शरीर को कुएं में फेंकने की बजाय खुले में छोड़ दिया गया, संभवतः पुलिस के लिए एक चेतावनी के रूप। अलेक्जेंडर ने लाशों को खुले में छोड़कर अहंकारी बनना शुरू कर दिया, लेकिन वो अब भी इतना सावधान था कि कैद से बचा जा सके। अलेक्जेंडर ने 14 जून 2006 को अपनी अंतिम हत्या कर दी। हुआ यूं कि अलेक्जेंडर एक दुकान में काम कर रहा था, वहीं पे कुछ महीने पहले लारिशा नाम की अपनी साथी कर्मी को उसने मारा था। लोगों को लग रहा था कि लारिशा गायब हो गई। लारिशा की जगह एक नई एम्प्लॉय को रखा गया, जिसका नाम मारीना था। मारीना को जब लारिशा की कहानी का पता चला तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे ना जाने क्यों विश्वास नहीं हो रहा था कि लारिशा गायब नहीं हुई। इसी बीच अलेक्जेंडर ने उसे वॉक पर चलने के लिए ऑफर किया। वो उसके साथ ही काम करता था, जिस कारण मारीना को कोई घबराहट नहीं हुई और वो साथ पिस्टा पार्क में वॉक करने चले गए। लेकिन मारीना सावधान थी। अलेक्जेंडर का प्लान तो सेम ही था कि उसे कुएं के पास ले जाके मार देना और कुएं में फेंक देना और लोग समझेंगे कि वो गायब हो गई। लेकिन अलेक्जेंडर को यह नहीं पता था कि उसके साथ जाने से कुछ समय पहले मारीना ने अपने बेटे के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें बताया गया था कि वह कहाँ जा रहे हैं और उसके साथ कौन था। नोट में उसका फ़ोन नंबर भी था। इधर अलेक्जेंडर ने सेम उसी पैटर्न में मारीना का कत्ल कर दिया था, बिना जाने कि अब उसका समय आ गया। जब मारीना घर नहीं लौटी तो उसके लड़के ने अलेक्जेंडर को कॉल किया और पूछा कि मारीना कहाँ है, जिस पर अलेक्जेंडर ने उसे बताया कि उसने उसकी माँ को नहीं देखा। जाहिर तौर पर संदेह होने पर लड़के ने अपने पिता को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। एक और बात अलेक्जेंडर को नहीं पता थी कि मारीना के कपड़ों में मेट्रो का टिकट था। जिस स्टेशन से उसने टिकट खरीदा था वहाँ के CCTV फुटेज की समीक्षा की, जिसमें अलेक्जेंडर और मारीना को साथ चलते देखा गया। 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब अलेक्जेंडर की तहकीकात शुरू हुई तो एक लॉगबुक मिला। लॉगबुक में शतरंज की तरह 64 खांचे थे। प्रत्येक वर्ग मारे गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता था। 62 को भर दिया गया था, जिसे घटाकर बाद में 60 कर दिया गया। संभवतः विरिचेवा और पोलीकार्पोव बच गए। कथित 60 हत्याओं में से 48 की पुष्टि हुई थी। अलेक्जेंडर के अनुसार वह एक और सीरियल किलर आंड्रे चिकित्सेलो की पूजा करता था, जिसने रूस में भयानक हत्याएं की थी। एंड्रो की कहानी मैंने इस सीरीज में पहले बता रखी है, चाहे तो आप उसे भी सुन सकते हैं। उसने कहा कि उसका लक्ष्य शतरंज की बिसात पर वर्गों की संख्या की प्रतिनिधित्व करते हुए कम से कम 64 लोगों की हत्या करने। अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि अगर वह 64 हत्याएं तक पहुंच जाता तो भी अगर उसे रोका नहीं गया तो और लोगों को मारता। अलेक्जेंडर आमतौर पर अपने पीड़ितों को वोडका या अन्य आशाजनक वस्तुओं के वादे के साथ फुसलाता था। वो ज़्यादातर बेघर पुरुषों को निशाना बनाता था, लेकिन वह कभी कभी महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाता। एक बार जब वह अपने पीड़ितों को पास के जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाता तो वह अपने मृत कुत्ते के सम्मान करने के लिए बरगलाता। जब पीड़ित ऐसा करने में व्यस्त होते अलेक्जेंडर उन्हें हथौड़े से मार देता। मारपीट आमतौर पर उन्हें मारने के लिए पर्याप्त होती थी, लेकिन अन्य समय में उन्हें जीवित रहते हुए एक कुएं में फेंक देता था। कभी कभी तो हथौड़े का इस्तेमाल भी नहीं करता। वह कुआं था जहां वह आमतौर पर सबों को फेंक दिया करता, लेकिन बाद में उसने उन्हें खुले में छोड़ना शुरू कर दिया।
एलेक्जेंडर अक्सर अपनी पीड़ितों की खोपड़ी के खुले छेद में वोडका की टूटी बोतल डाल देता। गिनती रखने के एक तरीके के रूप में वह शतरंज की बिसात भी ले जाता था, और जब भी वह किसी को मारता था तो एक वर्ग भर देता था। 27 अक्टूबर 2007 को अलेक्जेंडर को हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया गया। अपने परीक्षण के दौरान उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच के पिंजरे में रखा गया। न्यायाधीश ने फैसले को पढ़ने के लिए 1 घंटे का समय लिया, जो एकांत कारावास में बिताए जाने वाले 15 वर्ष के साथ आजीवन कारावास थे। अब तक अलेक्जेंडर एकांत कारावास में, उसके पूरे होते ही उसे आजीवन कारावास की सजा में भेज दिया जाएगा।